हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल शेप का मिरर बनाया है। मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप रेक्टेंगल शेप का मिरर कैसे फिलअप करना है दिखाए, तो मैंने इसके लिए रेक्टेंगल शेप बनाया है। आई एम श्योर कि आपने ऐसी फिलअप रेक्टेंगल शेप में नहीं देखी होगी, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए और मेरे वीडियो को लाइक करें और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये जो राउंड शेप का प्लास्टिक का आता है ये टिका लिया है, क्योंकि मेरे पास ये रेक्टेंगल शेप का मिरर अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके पास है तो आप वो यूज़ कीजिए, लेकिन मैं अब यहाँ पे आज ये रेक्टेंगल शेप बना रही हूँ। तो पहले यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर लिए, क्योंकि मेरे पास रेक्टेंगल शेप नहीं था और मुझे सब पूछ रहे थे कि आप कैसे बनाते हो रेक्टेंगल शेप का मिरर, तो मैंने ये ट्रिक यूज़ की है। तो आप ये भी कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है। तो ये बन गया हमारा रेक्टेंगल शेप। अब हम इसको अटैच करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। पहले मिरर को हमें यहाँ पे धागे से टाइट करना है। रिपीट हम ये करेंगे। आपने स्क्वायर मिरर, राउंड मिरर, ट्रायंगल मिरर सब मिरर देखे होंगे, लेकिन ये मिरर मैं पहली बार बना रही हूँ। तो लाइन हमारी बन गई है। अब हम इसको भरना स्टार्ट करेंगे। तो कहीं से भी नीडल को निकालें। अब इसको ध्यान से देखिएगा क्या करना है हमें। यहाँ से हमने नीडल को निकाले हैं, ये धागे को आगे रखेंगे और यहाँ से नीडल को पास करना है। अब ये धागे को हमें हमारी साइड पीछे रखना है ऐसे, और यहाँ पे छोटी सी स्टिच बनाएंगे। ये बन गई स्टिच। अब इसको फिर से हम आगे रखेंगे। धागे को कब आगे रखना है, कब पीछे रखना है, आप ध्यान से देखिएगा। ये हो गया दूसरा स्टिच, लेकिन ये धागा रहेगा अभी
पीछे और यहाँ पे एक स्टिच बनेगी। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका मिरर फिनिशिंग के साथ बनेगा। जहाँ पे टर्न है थोड़ा शेप को आप कवर करना है। हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे हम आ गए हैं, ये हमारा लास्ट स्टिच रहेगा। ये बन गया हमारा मिरर। अब नीडल को हम नीचे लेके जाएंगे और मिरर को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैं एक पल ले रही हूँ। बुलियन नॉट स्टिच करेंगे, ये पल को हमें कवर करना है। तो यहाँ पे मैं 15 टाइम धागे को रैप करूंगी नीडल पे। सेम पॉइंट से नीचे लेके जाएंगे नीडल को। तो ये सेम हम ये चारों साइड फिलअप करेंगे। तो ये बन गया हमारा रेक्टेंगल शेप का मिरर। आप देख सकते हो बहुत ही क्रिएटिव और ब्यूटीफुल लग रहा है। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे मेरे नए आइडिया और डिज़ाइन देखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।